गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपसे? डिड यू ट्राई? आज हमको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डिड यू ट्राई दिस वन? Hello. Anyone of you? Anyone tried this question? No one. Okay. ये क्या क्या डेटा शो कर रहा है? ये द ग्राफ बिलो शोज द एंड ऑफ द मंथ मार्केट वैल्यूज ऑफ फोर शेयर, चार शेयर पीरियड फ्रॉम जनवरी टू जून। जनवरी से लेकर जून तक इस पीरियड में चार शेयर का मार्केट वैल्यू बता रहा है। उसमें से चार शेयर दे आर डिपिक्टेड बाय ए बी सी एंड डी एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग इन द मार्केट फ्रॉम जनवरी टू जून। पहला क्वेश्चन कहता है विच शेयर शोड द ग्रेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज, शोड द ग्रेटेस्ट percentage increase in the market during the entire period. सबसे ज्यादा percentage increase किसमें हुआ है? Market value in any month, किसी भी month में सबसे ज्यादा percentage change कहाँ पर हुआ है और किस share में हुआ है? आप ये देखिए increase कहाँ पर हुआ है, यहाँ एक increase हुआ है, एक इस region में हुआ है, एक यहाँ पर हुआ है और एक यहाँ पर हुआ है, एक यहाँ पर हुआ है। सबसे ज्यादा इंक्रीज हाँ जी ए में कैसे कह सकते हो आप ए में हुआ है? सर अगर हम ग्राफ को देखें तो जैसे 100 से नीचे से वो स्टार्ट हो रहा है एंड नियर टू 120 पहुंच रहा है। ओके सो इट इज एक्चुअली इट इज 115, इट इज 115 एंड इट इज 95। ठीक है, अभी आप देखो कितना चेंज हुआ है, 90, ये डिफरेंस कितना आया? व्हाट इज द डिफरेंस सर? 20 विद रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? 95 यस सर मल्टीप्लाई 100। ओके तो अगर 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 वन टाइम्स एंड टू टाइम व्हेन 9 टाइम्स। ठीक है तो इट इज कमिंग 400 बाय 19, तो इट विल कम अराउंड कितना आएगा ये 400 अराउंड ये कुछ आएगा 21.5%। ठीक है अब आप इसमें चेंज देखो, इसमें चेंज कितना आया है, ये कितना है 40। ठीक है और ये कितना हो गया, this is almost half, yes or no? yes sir. ठीक है तो 50 minus 40 divided by 40 कितना आया 10। ठीक है 2 5 times कितना आ रहा है इसमें 25। अब बताओ कौन सा ज्यादा किसमें हुआ है, बताओ बताओ बताओ। और फिर इस हिसाब से तो ये डी वाले में ज्यादा हुआ इस, नहीं आपको क्या करना है, अगर मान लो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर कहीं एक एक से दो होता है और लेट से 100 से ये इट बिकम्स 150, तो परसेंटेज चेंज किसमें ज्यादा है? अगर किसी की पुरानी वैल्यू 1 थी अब 2 हो गई है और किसी की पुरानी वैल्यू 100 थी और
150 हो गई है, तो परसेंटेज इंक्रीज किसमें हुआ है ज्यादा? पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव में लाइए। 1 से 2 होना कितना परसेंट हुआ चेंज? अरे कोई अच्छा, किसी चीज का वैल्यू है और वो डबल हो गई है तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? हंड्रेड परसेंट चेंज हुआ है। और कोई कोई 150, 100 था, 150 हुआ है, 50% चेंज हुआ है। तो आप देखिए ना, परसेंटेज चेंज किसमें हुआ है ज्यादा? इसमें चेंज हुआ है, इसमें चेंज हुआ है। आर यू गेटिंग कैसे ये यस सर, क्या समझाने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ मैं? सिर्फ यस। परसेंटेज के टर्म्स में उसको देख रहे हैं हम। कोई 1 से अगर 2 हुआ है तो वो 100% चेंज हुआ है, और कोई 100 से अगर 199 भी हो गया ना, फिर भी इट इज नॉट 100%। ठीक है, फिर भी वो 99% है। तो हमको, आपको यहाँ पर चेंज, अपरेंटली यहाँ पर चेंज दिख रहा है, बट आप ये भी देखो ना कि ये हायर वैल्यूज हैं। हायर वैल्यूज में जब चेंज भी हायर होना चाहिए तब जाके वो परसेंटेज हायर होगा, और लोअर वैल्यू में थोड़ा स्लाइट भी चेंज हो गया तो वो परसेंटेज टर्म में ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है? ठीक यस सर, है, तो आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मंथ वॉज द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट चेंज इन द मार्केट वैल्यू फॉर एनी शेयर रिकॉर्डेड? एब्सोल्यूट चेंज किसमें देखने को मिला? यहाँ पर परसेंटेज चेंज नहीं मिला है, यहाँ पर एब्सोल्यूट मिला है। एब्सोल्यूट समझ रहे हैं? अब आप देखो, यहाँ परसेंटेज टर्म में तो ये 100% और 50% रेस्पेक्टिवली था। अब आप एब्सोल्यूट वैल्यू में देखो तो एब्सोल्यूट वैल्यू में ये 1 का चेंज आया है, और इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू में 50 का चेंज आया है। तो ये पूछा है आपसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू में किसमें ज्यादा चेंज आया, किस मंथ में ज्यादा चेंज आया? सर मुझे ये एब्सोल्यूट चेंज का मतलब नहीं समझ में आया। सर इन नंबर्स बोल रहे हैं शायद। एब्सोल्यूट का मतलब है कि आपको, अगर आपने 100 से 150 हुआ किसी का वैल्यू, तो एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल टर्म में, लिटरल टर्म में कितना चेंज हुआ है? 50 हुआ है ना, 50 रुपीज का, अगर ये 50 रुपीज हुआ तो। बट परसेंटेज टर्म में ये कितना? बट अगर 1 से लेके 5 हुआ है तो सर एब्सोल्यूट टर्म में, एग्जैक्ट चेंज बोल सकते हैं ना, ग्रेटेस्ट एग्जैक्ट चेंज किसमें हुआ है? हाँ, एग्जैक्ट चेंज, वैल्यू का एग्जैक्ट चेंज। ओके ठीक सर, है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू का एब्सोल्यूट चेंज हुआ कितना? 1 से हुआ लेकिन तो 5, और अगर ये परसेंटेज चेंज में होता तो कितना होता? ये 500% चेंज आ जाता। यस ठीक है, बट एब्सोल्यूट में ये 5 हुआ है, 1 से लेके 5 हुआ है। अंडरस्टैंड इट? ठीक है, यस और नो? यस सर, ठीक है, 5 माइनस 1, यहाँ 4 आएगा चेंज, 4 4। और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एब्सोल्यूट इंक्रीज किसमें हुआ है? एक तो ये हुआ है, 95 से 115 आया। तो यहाँ पर जो चेंज है, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग चेंज एज अ डेल्टा। ठीक है, डेल्टा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चेंज। यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर 20 आया है। और कहीं पर चेंज दिख रहा है? यहाँ पर चेंज था 10। ठीक है, आई गेस और तो कहीं पर चेंज नहीं है। ग्रेटेस्ट चेंज एक यहाँ पर दिख रहा है मुझे, बट ये कम है, ये कम है, ये 100 से 115 आया, ये 15 होगा। अब ये बताओ, कहाँ पर, कौन से मंथ में सबसे ज्यादा चेंज आया एब्सोल्यूट चेंज? मार्च में। पर मार्च में। ठीक है, ये जो आपने 1 से 5 वाला एग्जांपल दिया था, इसमें 500% चेंज थोड़ी 400 होगा ना सर? परसेंटेज नहीं चेंज। चेंज तो 400 ही होगा ना सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, है फाइव ना? माइनस वन डिवाइडेड, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, दिस परसेंटेज इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू फॉर एनी शेयर रिकॉर्डेड। परसेंटेज इंक्रीज कहाँ हुआ था? आई गेस ग्रेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज मंथ में पूछा है। यहाँ पर वैल्यू ये था,
अच्छा वैल्यू यहाँ पर कितना था, परसेंटेज चेंज में अगर आप देखो, परसेंटेज चेंज यहाँ पर कितना हुआ था, 25%, यस और नो? यस सर, ठीक है, यस अब ये कौन से मंथ में हुआ था? सर, फेब्रुवरी में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फेब्रुवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एन इंडिविजुअल विशेस टू सेल वन शेयर ऑफ सी एंड वन शेयर ऑफ डी टू बाय वन शेयर ऑफ ए, यानी सी और डी को दोनों बेचकर ए खरीदना चाहता है एट द एंड ऑफ मंथ, किसी महीने के एंड में खरीदना चाहता है। एट विच मंथ एंड वुड द इंडिविजुअल लॉस फ्रॉम दिस डिसीजन ड्यू टू शेयर वैल्यू चेंज बी द मोस्ट, सबसे ज्यादा लॉस कौन से महीने में, अगर वो ऐसा करेगा कि सी और डी को बेचकर ए खरीदेगा तो सबसे ज्यादा लॉस कौन से मंथ में होगा? सर मैं क्वेश्चन समझ आया आपको? हेलो, क्वेश्चन समझ आया आपको? सर, मुझे नहीं आया। ये कह रहा है कि कौन से मंथ के एंड में एक इंडिविजुअल सी और डी के शेयर को बेचकर ए खरीदना चाहता है, तो ए को बेच के तो सबसे ज्यादा लॉस किस कौन से मंथ में होगा? आप ये सर देखो, आई ठीक है, थिंक ये फेब्रुअरी में, सी और डी और ए की बात कर रहा है, ठीक है, सर यानी फेब्रुअरी में, वो इसकी इसकी और नो नो इज टॉकिंग अबाउट सी डी और ए, ठीक है, मतलब वो इन दोनों में से दोनों को बेचकर ये खरीदना चाहता है। आप ये देखो ना, ये कितने का है, 60 का, ये कितने का है? आप आंसर नहीं देते हैं, ये कितने का है, 60 है, ये 40 है, कितना हुआ ये टोटल? हंड्रेड और हंड्रेड सर, 100 उस टाइम पे, अगर ये 100 का बेचेंगे इसको, और एक शेयर डी का कितने का है, ए का कितने का है? सर 100 है, सर 100 है तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर, कुछ भी नहीं कुछ सर, नहीं होगा न्यूट्रल। उसको, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस सर, ठीक है ना, अभी यहां पर देखो, ये कितना है, दिस इज आई सर एक गेस 50 है, 55 है। दिस इज 55, ठीक है, और ये हो गया, ये 50 और ये 55 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, 50 प्लस 55 सॉरी, 110, 105। 105, अब यहाँ पर ये इसको 100 कितने का मिल रहा है, यहाँ पर 55 ये 95 का मिल रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ उसको या लॉस हुआ? प्रॉफिट सर, लॉस हो गया होगा ना, सर। 105 का बेचा है और 95 का खरीदा है, तो सर 105 का उसने और उसको सी और डी दोनों को मिलके 105 का बेचा है, और ए 95 का मिल रहा है, तो 10 रुपये उसको मिला कि नहीं मिला खुद के पास? अच्छा, ओके आप सर, ये देखो ना, उसका शेयर का, ए का जो शेयर प्राइस है वो भी तो 95 हो गया, अच्छा, ओके सर, ओके सर, मतलब पहले से भी रेट कम हो गया है, ओके सर, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट होगा। अगला देखो, ये कितना हुआ, 50, 50, और यहाँ पर कितना सिक्सटी हुआ, ये कितना है, दिस इज 60, 60 सिक्सटी एंड 110, यस सर, 110, और ये कितने का बेच रहा है, 100 आई गेस 115 है, 115 सर, तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? सब प्रॉफिट हुआ 115 में अगर बेच रहे तो। तो कैसे प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा? आप ये देखो ना, 110 में तो उसने दोनों शेयर बेचे हैं, लेकिन उसको एक खरीदना है, वो 115 का है, मतलब 5 और डालने पड़ेंगे उसको, नहीं समझ आया? यस सर, यस और मतलब समझ आया, यस था कि समझ नहीं समझ आया तब यस था? समझ आ गया।
ठीक है ना, कैसे किया ये, क्योंकि ये टोटल कितने का था, 110 का, उसने 110 का बेचा, बट उसने खरीदा कितने में मिल रहा है उसको, एक का शेयर 115 में। 115, पर उसके पास 5 रुपए कम पड़े हैं, तो 5 उसको डालने पड़ेंगे, तो हम ये कह सकते हैं पर ओवरऑल यहाँ पर 5 रुपए लॉस हुआ है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, सबसे ज्यादा लॉस पूछ रहा है उसको। ठीक है, आप एक ये भी एक बार देखना, ये कितना है यहाँ पर, ये कितना है, दिस इज 40, और ये कितना है, हाउ मच इज इट, माई गेस ये 65 है या 70 है, आई गेस ये 65 है, ये सेंटर में भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 65, तो 5 एंड 10, 105, और मिल कितने का रहा है, सर 105 का। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगला देखो, ये 100 का यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और ये कितने का हुआ, 60, एक ऊपर वाला सिक्सटी सर 60 का है 45 और नीचे वाला 45, तो कितना 45 हुआ, 100, 105 105, और यहाँ पर देखो ये कितना है ऊपर वाला, तो सर 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। हाँ यहाँ पर 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कितना है, ये कितना है, सर एक 45 और एक 55 55 एंड और 45 दूसरा है 45, तो ये कितना हो गया, 110, और सर ये 100 नहीं हुआ। ओके, हाँ ठीक है 100 हुआ। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पर, 110। 110 अब ये बताओ यहाँ पर 100 था 110 का, तो लॉस कितना हुआ। सर 10 का सर 10 ठीक है, तो आप बताओ कि कौन से महीने उसको लॉस हुआ, सर मार्च में हुआ और जून में हुआ। नहीं सबसे ज्यादा पूछा है, सबसे ज्यादा तो सर जून में हुआ। तो जून वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, यस सर क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, जी सर यस सर अगला भी कुछ ऐसा ही है शायद। एन इंडिविजुअल डिसाइड टू सेल वन शेयर ऑफ सी एंड वन शेयर ऑफ डी टू बाय वन शेयर ऑफ, सेम क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द मंथ व्हाट कैन बी द इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट गेन फ्रॉम द डिसाइड। अच्छा, गेन कितना होगा उसको, यहाँ पर गेन कितना था, ये 100 है और ये 100 है, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस पहले वाले में, दूसरे में उसको था सर यहाँ पर 10 का प्रॉफिट है। उसको प्रॉफिट था ना इसमें, यस सर 10 रुपीज का प्रॉफिट 10 रुपीज का सॉरी प्रॉफिट 10 था, का और यहाँ पर कितना था, आई सर गेस यहाँ लॉस भी हो गया पर नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आप बताओ गेन उसको कब हुआ, सर कौन से, फेब्रुअरी कितना में। फेब्रुअरी कितने का हुआ गेन, सर 10 का 10 का हुआ। टेन का। ठीक है, तो 10 वुड बी द राइट आंसर, ये क्लियर है सबको, यस सर ठीक है ना, ओके। पाई चार्ट, पाई चार्ट इससे क्या समझ आ रहा है, आप एक बार स्टडी करो क्या क्या समझ आ रहा है इससे, पाई चार्ट से। सर कि एक बुक पब्लिश करते में कहाँ कहाँ कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर हुआ है मतलब खर्चा हुआ है। हाँ जी, हेलो, सर एक पर्टिकुलर बुक पब्लिश करने में किस किस एरिया में कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर हुआ है ठीक है वो ठीक है, दिया। कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है पब्लिशिंग अ बुक, एक बुक छापने में कितना एक्सपेंडिचर आया है। ठीक है, तो क्या क्या समझ आया है इससे, कि वी डोंट नो कि कितना आया है, बट उसमें से अगर हमने उसको एज अ परसेंटेज शेयर में देखा, तो 20% जो टोटल कॉस्ट का प्रिंटिंग पे लगता है, 10% ट्रांसपोर्टेशन पे लगता है, 25% पेपर कॉस्ट पे लगता है, 20% बाइंडिंग पे, 15% रॉयल्टी पे एंड 10% प्रमोशन पे, इज दैट क्लियर। ठीक है, इफ फॉर अ जी सर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक, यस सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज टू पे दिस मच एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स।
कैसे करोगे इसको? आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है, आप अटेम्प्ट करो, एक मिनट लो, देखो क्या क्या कह रहे हैं। इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक, हमें नहीं पता तो आप इसको अज्यूम कर लोगे, लेट कर लो उसको एक्स। ठीक है, द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट। अब एक बताओ प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है? कितना है? प्रिंटिंग कॉस्ट 20% है ना? यस सर। तो कैन आई राइट 20% ऑफ 20% ऑफ एक्स इज व्हाट? हाउ मच? 30,600। अब आप एक्स का वैल्यू निकलेगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5, तो ये x इज इक्वल टू 306005 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0003, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। मतलब फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे दिस मच एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट। तो यानी उन बुक्स को टोटल जो कॉस्ट आएगा ना, टोटल जितनी भी बुक्स हैं उनको प्रिंट कराने में कितना पैसा लगेगा? सब प्रिंट नहीं, सब प्रिंट में तो 30,600 नहीं, ये टोटल कॉस्ट आ गया टोटल। हाँ, ये तो सर पूरा पब्लिशिंग कॉस्ट हो गया। ठीक है, पब्लिशिंग कॉस्ट। अब आपको क्या निकालना है, ये लेट एक्स बी, रुको यहाँ पर क्वांटिटी नहीं, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, एक्स बी टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट मतलब पूरा 100% ही आ जाएगा। ठीक है, तो वो कितना हुआ, 1,53,000। अभी हमको क्या निकालना है, रॉयल्टी। रॉयल्टी पे हमको कितना, अब रॉयल्टी कितना है, 15%। अच्छा, अभी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सर, 15/100 × 1,53,000। करेक्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो 0, सर 22950 आएगा। 2 कितना आ रहा है, 22950। 22950 आ रहा है, आंसर आ रहा है कहीं हमारा सर? सी। ओके, ठीक है, सी हमारा आंसर है, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन समझ आया, ये कैसे किया? यस सर। शुड आई रिपीट, कहीं पर भी कोई भी स्टेप अगर क्लियर ना हो तो? नो सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था अभी? हाँ जी, ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हो गया ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रॉयल्टी। आपको एंगल निकालना है, किस पे, किसका एंगल निकालना है, रॉयल्टी का। कैसे निकालेंगे सर? 15% ऑफ 360, बिकॉज द ओवरऑल जो एंगल होता है वो 360 होता है सर्कल का। निकालना है तो रॉयल्टी कितना दिया हुआ है, 15%। ठीक है, और टोटल परसेंट कितना हमारे पास, ऑब्वियसली टोटल 100 ही होता है। अब पूरा सर्कल कितने डिग्री का है एंगल में, 360। कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 3, 5 × 2 कैंसिल, 18, ये आ जाएगा 54 डिग्री। तो सी वुड बी द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ये, कि द प्राइस ऑफ बुक इज मार्क्ड 20% अबव द सीपी इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 180, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन द सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। समझ आएगी? आपका प्रॉफिट लॉस का बुक क्या है,
मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या हुआ? देखो इसमें ये कह रहा है द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20%। अब मान लो लेट उसका जो सीपी है बी एक्स, ठीक है, तो जो मार्क्ड प्राइस है दैट इज एक्चुअली कितना हुआ, 120% अच्छा, ओके ऑफ सर, एक्स, अंडरस्टूड। ठीक है, वो 20% अबव द सीपी है। तो सीपी, ये सीपी का वन वन जब हमने 20% अबव कर दिया तो दैट विल बिकम 120% ऑफ एक्स, ठीक है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 180। अब हमको मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, ये एक्चुअली कितना दिया हुआ है, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 180 दिया है कि वन नहीं। एटी सर, वन एटी अब इससे हम एक्स निकल सकते हैं, हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा इक्वेशन, ये बचेगी 180 मल्टीप्लाइड 10 और डिवाइडेड बाय 12। ओके ठीक है, कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स 6, ये कितना आ गया, 150 ₹150। ये क्या है, व्हाट इज दिस, सीपी, अरे सीपी नहीं हुआ मार्क्ड प्राइस आएगा ना। ओके ओके मार्क्ड, ओके ओके करेक्ट करेक्ट, ये सीपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, जो सीपी है वो 20%, नहीं, मार्क प्राइस 20% अबव किया हुआ है, ठीक है, करेक्ट, यू आर करेक्ट, ये अबव 20% ये बढ़ा के है, 20% इंक्रीज करके है, तो एक्चुअल प्राइस कितना हो गया, ठीक है, 150 वुड बी द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, ये यहां तक समझ आया आपको कैसे क्या ये, यस सर। ठीक है, हमने सी कॉस्ट प्राइस लिया, एक्स हमको नहीं पता था। अब जो जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस 120 20% ऑफ दी कॉस्ट प्राइस, तो वो 180 आया, ठीक है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस था ₹150 और इसका 20% इंक्रीज करके उसको मार्क प्राइस 180 किया है, इज दैट क्लियर। अब पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। अब सिंगल कॉपी में कितना हुआ है, आप देखो ये किसी एक बुक का है, तो कॉस्ट ऑफ द, सब पेपर कॉस्ट 20% से निकल आएगा, ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, सीपी कितना है, वन फिफ्टी सब वन ठीक है, फिफ्टी अब पेपर कॉस्ट आ जाएगा हमारा 20%, पेपर यस सर। कॉस्ट इज इक्वल टू 25%, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ना है, ऑफ व्हाट, 100 इनटू 100 ऑफ व्हाट 25%, एक एक बुक का, एक बुक का पूछा है ना, तो एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 150 150, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 2 एंड 5 टाइम्स 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 75/2, तो ये आ जाएगा आपका 2 3 6 और एक आ जाएगा 2 7 14, 2 5 10, ठीक है, तो दैट वुड बी द कॉस्ट फॉर पेपर कॉस्ट पेपर इन सिंगल बुक, सिंगल। ठीक है, सो बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है सबको, यस सर, ठीक यस है। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम अमाउंट ₹8,25,000, नहीं 82,500, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट द पब्लिशर कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। आप करो इसको फटाफट, टेक 1 मिनट।
सर सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक निकालना है ना? हाँ नहीं, सेलिंग प्राइस निकालना है विद सर्टेन कंडीशन। कंडीशन ये है कि उस सेलिंग प्राइस में उसको 25% प्रॉफिट होना चाहिए। यस ठीक है, हुआ किसी का डन? डन हुआ क्या? देखो इसमें क्या, 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम इज 82,500। ओके, तो हम अगर मान लो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, लेट लेट कॉस्ट ऑफ वन बुक बी एक्स, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारा ये ऐसा आ सकता है कि सर फाइव डन मल्टीप्लाई एक्स आ सकता है ये। यस सर ठीक है, अब आप ये देखो कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना दिया हुआ है, टोटल का है ये, टोटल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट व्हिच इज हाउ मच परसेंट। सर 10% ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 10% ऑफ टोटल, जो भी टोटल कॉस्ट आया है बुक्स पब्लिशिंग में, दैट इज नथिंग बट 82,500। कैन आई यस लिख सकता हूं ना? यस अब क्या कर सकते हैं इसमें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 82,500 डिवाइडेड बाय 5,50, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11, और ये आ जाएगा हमारे पास कट के 5, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 5 6 30 और 2 5 25 और 0। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1,650 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 टाइम्स 1 11, यहाँ बचा 5,50, ये आ जाएगा एक बुक का आ गया हमारे पास 1। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट द, अगर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो ये उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है जो पीछे हमने एक बुक का प्राइस निकाला था ना, सीपी निकाला था हमने एक बुक का। यस सर यस ठीक है, अब आपने एक चीज देखा, आपने देखा होगा कि जब उसने मार्क्ड प्राइस को उसमें कितना बढ़ाया हुआ था, प्रॉफिट कितना लिया था उसने, सर इज 20% अबव द सीपी। ठीक है, अब यहां पर कितना चाहिए हमको, कितना प्रॉफिट चाहिए, 25% अब आप इसका 25% कर दो, यानी आप 125% ऑफ वन, ये 125% क्यों लिखा है? क्यों लिखा है 125%? क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए ना 25%। यस यस और नो? तो 100 बाय 100 तो वैसे भी कुछ 1 ही होता है। ठीक है, तो हमको 25 इसमें प्रॉफिट चाहिए, और ये प्रॉफिट है, तो हमने 25% प्रॉफिट निकालना है किसका, 150 का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे 5 2 टाइम्स 5 3 टाइम्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 3 15, 3 2 6 और 1 7 और 1 175। क्लियर हुआ ये?
क्लियर है ये? डाउट है तो पूछो आप। सर 125 × 3 हुआ या 25 × 3 हुआ? क्या क्या? सर जो अभी मल्टीप्लिकेशन हुई है सर, हाँ क्या किया है? 175 जो अमाउंट अच्छा आई है। वंस, देखो इससे ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, इसका 5 टाइम्स 2 एंड 5 टाइम्स 3, यस सर। ठीक है? तो गड़बड़ किया है क्या मैंने? और 375 आना चाहिए ना, अगर 125 × 3 हुआ है तो। यस सर। या नहीं शायद 125 डिवाइडेड बाय 100, और किसका निकालना है हमने, 150 का, इससे ये कैंसिल हुआ। ये आ जाएगा 5 टाइम्स 2 एंड 5 टाइम्स 3, ठीक है? ओके, तो ये 2 से ये भी कैंसिल 2 से ये जाएगा, ठीक है? मतलब ये आ जाएगा आपका 125 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? तो अब मैं इसी को कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये आ जाएगा 2 12 6 6 और 2 2 4, ठीक है? 2 2 4 एक बचा, तो ये आ जाएगा 62.53। करो इसको मल्टीप्लाई, कितना? 180, 187.5। ओके, सो द आंसर इज ये वाला। यस सर। 62.5 मल्टीप्लाई 3, ओके करेक्ट, यस ठीक सर। है? करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 187.50। थोड़ा कैलकुलेशन का भी आप थोड़ा, थैंक यू, ऐसा मतलब देखते रहना आप अपने उसमें भी ना, थोड़ा जल्दबाजी में कहीं हमसे भी बहुत वो पूरा क्वेश्चन बना पड़ा और मैंडफुल। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस यस सर। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, बड़े क्वेश्चन का सब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय व्हाट परसेंट? रॉयल्टी पूछा है, फाइव रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस फाइव देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय व्हाट परसेंट? सर 5%। रॉयल्टी और प्रिंटिंग, रॉयल्टी कितना है सर 50%। और प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है? सर 20%। आपने माइनस कर दिया, तो सर नहीं, नहीं होगा ऐसे। ऐसे कैसे होगा? उसके रेफरेंस में पूछा है ना, उसके अच्छा रेफरेंस, ओके सर, ओके। समझ रहे हो? वो वही यस वाला समझो कि यस 1 से 2 इज 100%, इट इज नॉट 1%, हाँ हाँ सर, अंडरस्टूड। ठीक है? तो इसमें रॉयल्टी, रॉयल्टी कितना परसेंट हो गया, मतलब ये टोटल डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 5%? यस और नो? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट, इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट कितना? तो आपका आ जाएगा यहाँ नीचे 20, सॉरी ये आ जाएगा आपका मतलब ये 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 100, ठीक है? तो 20 और ये 5, तो ये आ जाएगा 25%। क्लियर है ये? क्लियर है? कैसे कैसे हुआ ये? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंटिंग कॉस्ट से हाँ जी डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर, प्रिंटिंग कॉस्ट से रॉयल्टी कितना लेस देन है, कितना कम है, तो रेफरेंस क्या हो गया यहाँ पर, प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक यस है? सर। तो आप देखो कि कितना टोटल, कितना चेंज आया, टोटल चेंज हमारे पास कितना आया, टोटल चेंज आया 20% माइनस 15%, दैट इज 5%, ये चेंज आया। लेकिन हमको परसेंटेज चेंज बताना है विद रेफरेंस टू, तो ये परसेंटेज चेंज विद रेफरेंस टू द प्रिंटिंग कॉस्ट और मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से, सो दैट बिकम्स 25% वुड बी द परसेंटेज चेंज, ठीक है? क्लियर हो गया ये? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रीड करो, पाई चार्ट को क्या पूछ रहा है ये। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन घोष बाबूज बॉडी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये क्या दिया हुआ है, एज परसेंटेज, ये एज परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वेट। यानी आप ये देखो कि अगर हम उनकी बॉडी की बात करें तो बॉडी वेट का जितना भी बॉडी वेट होगा उसमें से पूरे बॉडी वेट का 70% वाटर है, 15% अदर मटेरियल है और 15% प्रोटीन है। ठीक है, ये बॉडी के वेट का है। और ऑकरेंस ऑफ प्रोटीन्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ घोष बाबू, अब मतलब ये जो दिया हुआ है ना दूसरा पाई चार्ट, ये इसी का ही एक्सटेंशन है, मतलब यस इन्हीं 15% के लोअर, मतलब आप सब कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सब कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें 52% टोटल प्रोटीन पूरे और में है और 8% स्किन में है, 15% बोन्स में है और 25% मसल्स में है। ठीक है, सर, ये जो 52% प्रोटीन्स लिखा है इसका मतलब अदर बॉडी पार्ट्स है अपार्ट ऑकरेंस ऑफ, फ्रॉम द थ्री दैट आर गिवन। ये बॉडी का ही पार्ट है और इन्हीं इन्हीं में से है टोटल जो 15% है ना। नहीं, वो नहीं कह रही सर, जो दूसरा वाला है, जो सेकंड वाला पाई चार्ट है, इसमें प्रोटीन्स 52% लिखा है, तो इसका मतलब है हाँ, 52% बाकी सारी बॉडी में है बाकी सारे पार्ट में। अपार्ट फ्रॉम स्किन बोन्स एंड मसल्स, है ना। हाँ अच्छा, ठीक है, ओके प्रोटीन सर, इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ घोष बाबूज बॉडी। ठीक है, क्या ओके सर, पूछा हो आप इसमें, फ्रैक्शन पूछा है पहले वाले में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ घोष बाबूज वेट कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर एंड स्किन प्रोटीन। समझ आया आपको क्या पूछा जा रहा है, यस क्या पूछा जा रहा है, फ्रैक्शन पूछा है आपको घोष बाबू की बॉडी का वेट का, बॉडी के वेट का कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर एंड स्किन प्रोटीन। मस्कुलर और स्किन प्रोटीन कितना हो गया टोटल, सर 33%, 33, तो वो तो आ गया टोटल कितना आ गया, ये वो तो 15 का हो गया ना, आपको यस सर, पूरी पूरी बॉडी की वेट का बताना है। हाँ सर, कैन वी डिटरमाइन दिस, नो सर, कैन वी डिटरमाइन दिस, करो आप कैसे करोगे इसमें। अगर मैं आपसे बाबू की मतलब जो पूरा प्रोटीन कंटेंट उनकी बॉडी में, जो प्रोटीन कंटेंट है टोटल प्रोटीन कंटेंट टू हिज बॉडी वेट, उसका फ्रैक्शन बताओ, तो क्या 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 करते हैं आप। अगर मैं पूछता कि प्रोटीन और घोष बाबू की बॉडी का टोटल मतलब वेट का आप फ्रैक्शन बताओ, तो कैसे बताते हैं आप, तो प्रोटीन कितना है सर 15%, और बॉडी वेट कितना है टोटल, 100% लेके चल रहे हैं 100%, यस तो ये आ जाता आपके पास 3 और कितना आ जाता, 20, 3/20 आ जाता है ये। बट यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है, मस्कुलर एंड स्किन प्रोटीन ठीक है, तो आपको मस्कुलर और स्किन प्रोटीन टोटल कितना हो गया, ये आप एक बार करके देखो कितना आ रहा है आपको। कैन वी डिटरमाइन इट और नॉट, पहले ये बताओ क्या हम उसको बता सकते हैं कि नहीं, क्या लग रहा है, सर बता सकते हैं शायद, बता सकते हैं ना, कैसे बता सकते हैं। स्किन और मसल्स 33% है मिला करके, सो 33% ऑफ 3/20 अगर हम कर लें तो आ जाएगा कितना बताया आपने, ठीक सर, स्किन और मसल्स आ रहा है 33%, तो है, अगर हम 33% ऑफ 3/20 करें जो कि हमारा प्रोटीन आया है इन हिज बॉडी, तो सर आ सकते एक बार करके देखो, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके देखो इसको।
सर 99/2000 आ रहा है अब वो तो सर, और ज्यादा रिड्यूस हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्या? सर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ पा रहा। आप पहले फर्स्ट वाले को देखो, किसी का हुआ क्या पहला वाला सॉल्व? किसी का हुआ? हेलो, नहीं सर, नो ओके, सर। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये हमको मस्कुलर और स्किन प्रोटीन निकालना है, ठीक है? घोष बाबू के वेट का मस्कुलर और स्किन प्रोटीन। अब आप ये देखो कि आप इसको ऐसे समझो कि अगर, हाँ, अगर अगर टोटल प्रोटीन निकालना हो उनकी बॉडी, घोष बाबू की बॉडी में टोटल प्रोटीन का फ्रैक्शन, टोटल प्रोटीन का, तो कितना आ जाएगा ये फ्रैक्शन बताओ? 15/100, ठीक है, या 3/20 आ जाएगा? यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या बताया हुआ है, हमको बताया है कि स्किन का और मसल का दिया हुआ है हमको, ठीक है, निकालना है हमको। अब ये बताओ स्किन और मसल दोनों को मिला के कितना हुआ है? आप ये समझे हो ये 3/20 क्या है? सर ये प्रोटीन है ना। ये टोटल, मतलब घोष बाबू की बॉडी में टोटल प्रोटीन का फ्रैक्शन है ये, क्लियर है ये? यस सर। यस सर, यस लेकिन सर। अभी हमें क्या पूछा हुआ है, स्किन और मसल का पूछा हुआ है, ठीक है? अब ये बताओ कि टोटल प्रोटीन का, टोटल प्रोटीन का स्किन और मसल कितना परसेंट है? ये कितना है? 33% है, ठीक यस सर। यस सर। है, लेकिन हमें 33% किसका निकालना है, टोटल प्रोटीन का कितना यस है, सर। ठीक इनटू 3/20। अच्छा है? तो ये कितना आ 15। ओके जाएगा?
तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 टाइम्स 20, 5 3 हाँ ठीक है, 5 3 तो और ये कैंसिल हो इसकी रहा है, कितना हाँ 3 3 9 आ रहा है? 99 99/20, ये फ्रैक्शन दिया है हमें कहीं, 99। नो सर और डिवाइड हुआ है शायद 33%। इन्होंने राउंड ऑफ करके इसको 5% लिखा है, 33% राउंड ऑफ करके जो आंसर आ रहा है वो 1/20 आ रहा है, ठीक है। 1/20 बोले तो अगर आप इसको 33% ऑफ 15%, 33% ऑफ 15%, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो आ रहा है ना वो ऐसा आ रहा है जो हमारे पास आ रहा है, इन्होंने इसको राउंड ऑफ करके, अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये 5% आ जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ करके, यस और नो? हेलो, हेलो यस हाँ, सर कैसे ये राउंड ऑफ 5% करके, सर ठीक है, 5 आ जाएगा ना ये, अगर आप इसको डिडक्ट 100 करेंगे करते, ऐसा बोल रहे हैं आप हाँ, इसको आप राउंड ऑफ करके ये 100 आ जाएगा, ठीक है। और अगर, अच्छा अच्छा ये ठीक है, हाँ, अप्रोक्सीमेट के हिसाब से ओके ठीक अप्रोक्सीमेट किया हुआ है इसमें, तो है ये आ जाएगा। एक्चुअली ना इसका, ये जो इस क्वेश्चन का आंसर ना कई जगह लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट आई हाँ डोंट थिंक सो कि इट कैन बी डिटरमाइंड, इट कैन बी डिटरमाइंड, ओके okay. दिया हुआ है मसल भी दिया हुआ है, ठीक है, इट कैन बी अभी डिटरमाइंड। सर पर अभी आपने कहा ना 1/20 इज द आंसर हाँ, इसका तो आप 5% को आप लिखो ना, ओके 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 ठीक है, 1/20 राइट सर ठीक है। सो जो आंसर अलग अलग दिया हुआ है, एंड 1/20 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सर उसके लिए अप्रोक्सीमेट टर्म करना पड़ेगा तब जा करके वो आएगा हाँ, वी आर नॉट कन्विंस्ड कि ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं हो सकता, सो द राइट आंसर वुड बी 120, व्हिच इज मोस्ट, मतलब क्लोज टू दिस, ठीक है, आप समझे हो ना? अगर मैं बोन्स का बोलता तो आप क्या कर, सर 15% सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर हाँ सर आवाज नहीं आ रही है सर नो वॉइस हेलो, यस सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर सर ठीक है, बट प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है अभी
दिखा क्या? यस सर इट्स कमिंग. ठीक है यस सर. ठीक है. तो ये सर क्वेश्चन समझ आपका आया? वॉइस वहां से बंद हो गया था सर जब आपने बोला कि अगर मैं बोन्स बोलता तो, बस वहां से हमने कुछ नहीं सुना. हाँ, तो उसमें अगर ऐसा होता कि अगर आपको लेट्स से अगर आपको सिर्फ बोन का निकालना होता फिर क्या करते? तो आप पहले बोन का प्रोटीन के रिस्पेक्ट में निकालते और फिर उसका आपको फिर उसके रिस्पेक्ट में निकालते बॉडी के रिस्पेक्ट में. ठीक है, आपको बॉडी के वेट का जैसे 15% सिर्फ प्रोटीन है कोश बाबू की बॉडी में और अगर बोन का निकाल सर फिर यहाँ क्या करना हाँ. है ना, तब वो आ जाएगा 15% of 15. क्या सर क्या ठीक है, तो ये आपकी ऐसा हो वॉइस जाता. कट हो गई सर बीच में, क्या बोले सर? मैंने कहा तो वो 15% of 15% आ जाता, तो वो जो हाँ रवि फ्रैक्शन सर. होता फिफ्टीन हाँ परसेंट और फिफ्टीन ठीक है, तो 15% वो प्रोटीन और बोन का 15% फ्रैक्शन हो बोन. जाता टू द बॉडी वेट. ठीक है, अगला पूछता है कि रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द मसल टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द स्किन. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन मसल कितना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन मसल मसल्स में कितना है? सर 25%. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन मसल्स दैट इज 25% टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन स्किन. स्किन में कितना है? 8%. ठीक है, आप ऐसे कर देते डायरेक्ट, तो ये 25 by 3 by 10. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन मसल्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन स्किन. प्रोटीन इन मसल्स एक बार आप ये करो, जैसे अभी हमने क्या किया था स्किन और मसल को जोड़ दिया था ना 33%, तो अभी आप प्रोटीन का देखो मसल्स में कितना है और प्रोटीन का देखो स्किन में कितना है, फिर उन दोनों को फ्रैक्शन की फॉर्म में लाओ. जस्ट डू इट बाय योर एंड करके देखो एक बार. सर अलग अलग ना मतलब. हाँ, अलग अलग करके उसके बाद वो जो मसल वाले को डिवाइड करो आप स्किन वाले से, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा आ रहा है, देखो 3:1 या 3:10 इनकी किसी रेशो में आ रहा है. सर मतलब 25/100 × 15 करेंगे क्या चीज? सर? 25/100 × 15. 25/100 × 15. हाँ ठीक है, दोनों का करके देखो एक बार. सर 15 इसलिए लिया क्योंकि प्रोटीन का 15% है. हाँ, इसलिए क्योंकि टोटल प्रोटीन की बात हो रही है ना. ठीक है, तो आपका ये आ रहा है 5 and then we have 25. देन मसल्स का और फिर स्किन का पूछा हुआ है, देन 15% of total.
क्या आ रहा है आपका आंसर? देखो इसमें प्रोटीन इन मसल, मसल में कितना प्रोटीन है? 25%। हेलो, हाँ जी सर, 25% ऑफ कितना? टोटल प्रोटीन 15% है। जी सर, ठीक है, तो इसका कैंसिल करो तो ये कितना आ गया? 5, 1 और 4। 75/20, ठीक है। और दूसरा हमारे स्किन का कितना आ गया? ये आ गया हमारा मसल का, और ये आ रहा है हमारा स्किन का। स्किन का आएगा हमारा 8% ऑफ व्हाट प्रोटीन का? तो अगेन ये हो जाएगा 23, ये 24/20 हो जाएगा, ठीक है। अब किसका किसका फ्रैक्शन पूछा हुआ है? प्रोटीन ऑफ मसल और स्किन, तो मसल का कितना हो गया हमारा? इट बिकम्स 75/20 × 24 आप उसको मल्टीपल कर सकते हो, ऑपोजिट भी कर सकते हो। 75 क्या हो जाएगा वैसे? 24/20, ठीक है, कैंसिल हो गया 75/24, तो ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 8 times and 3 25 times, तो 25/8 इज द राइट आंसर, जो एग्जैक्ट आंसर है। बट आपको फ्रैक्शन, आपको आंसर में ये दिया नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ ऊपर भी अप्रोक्सीमेट किया था, तो ये कितना बन रहा है फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेट में? हमको नियरेस्ट वाला देखना है, क्या बन रहा है? आपको ये समझ आया ये कैसे आया है हमारा आंसर? यस सर, ठीक है। अब तो अगर आप इसमें जो अगर आप मल्टीप्लाई करो, मतलब डिवाइड करो आप इसको, तो आपका आएगा 3.1 something, ठीक है। तो जो आपका रेशो बनेगा ना, वो अप्रोक्सीमेटली आपका 3:1 का रेशो बनेगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, यस, हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि हमारा जैसे अब एक बार में आंसर आया नहीं जो दिया हुआ है, तो वी टेंड्स टू कंफ्यूज उस टाइम पे, ठीक है। तो आप देखना कि कहाँ थोड़ा, अगर एक बार तो पहले तो मेथोडोलॉजी सही होना चाहिए आपका, और अगर अप्रोक्सीमेट चल रहा है ना आपका, तो जो जो नियरेस्ट वाला है दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्ज्वला आपको क्लियर है ये? हेलो, ओ हेलो सर, उन्होंने अभी ज्वाइन किया दोबारा। ओके, उज्ज्वला आपको क्लियर है ये? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ओके ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पर, हमारा जो आंसर आया ना, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये मसल्स का कितना है? 25% है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट ऑफ बॉडी वेट नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 25/8 का रेशो आएगा, वो आंसर होगा। तो ये अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करोगे ना, तो ये 3:1 का रेशो आएगा, सो वी आर गेटिंग दिस। ओके सर, ठीक है, क्लियर है ना? अगर विद रिस्पेक्ट टू बॉडी पूछा होता, फिर हम उसको, खैर बॉडी के रिस्पेक्ट में भी वही आता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ घोष बाबूस बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ स्किन? अब आप देखो स्किन कितना कितना बना हुआ है स्किन का? 8%। एट परसेंट कैसे कैसे क्या क्या
कैन वी डिटरमाइन दिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ घोष बाबूज बॉडी वेट इज मेडअप ऑफ स्किन? ये सिर्फ स्किन प्रोटीन थोड़ी पूछा हुआ है। अच्छा अच्छा देखो अच्छा एक सेकेंड। हाँ हाँ ये तो स्किन का, स्किन प्रोटीन, ठीक है, लेकिन प्रोटीन का जो पाए चार्ट है ये उसमें सिर्फ 8% प्रोटीन है, है। हाँ ये वो सिर्फ सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन है, है, मतलब हमको स्किन घोष प्रोटीन बाबू आठ केस में परसेंट देखना है। हाँ तो सर अदर मटेरियल्स में देखा जाएगा ना उसको, तो अदर में तो बहुत कुछ अदर होगा ड्राई फिर। मटेरियल। हाँ नहीं, अदर में तो बहुत कुछ होगा, ठीक है, राइट सर। हाँ तो दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके ठीक है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द वुड बी द राइट आंसर। आप उसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पर 3% आपको दिया हुआ है, आपको स्किन में 8% दिया हुआ है, बट ये 8% किसका है? टोटल प्रोटीन के, टोटल प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो, जो स्किन में 8% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ द टोटल बॉडी वेट द पोर्शन ऑफ मटेरियल अदर देन वाटर एंड प्रोटीन इज क्लोजेस्ट टू, टोटल बॉडी वेट का द पोर्शन ऑफ मटेरियल अदर देन वाटर एंड प्रोटीन, वाटर एंड प्रोटीन, वाटर एंड प्रोटीन, वो कितना आ जाएगा? सब 15% लेफ्ट हुआ ना फिर। हाँ, तो 15% होगा टोटल, यस तो वो इज क्लोजेस्ट टू व्हाट? आपको अब यहाँ पे भी क्लोजेस्ट पूछ रहा है वो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 3/20, सर क्लियर है ये ये? तो ठीक आप में ही है। हाँ जी सर एक। है, ये क्लियर है सभी को, ठीक यस सर। है। सर ये हाँ, सीधा सीधा था एकदम। ये सीधा था। ये आपका बार ग्राफ वाला है। आई एम ट्राइंग कुछ और क्वेश्चन, और टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में हमको यहीं सॉल्व करने को सर इतना टाइम लग रहा है। नहीं, एक्चुअली अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जी। है ना, और एक बार आप जब यूज्ड टू हो जाओगे ना, तो आपको यू नॉट नीड टू गो बाय द मेथोडोलॉजी, मतलब आप एक बार थोड़ा, आपको आप विजुअल कि कैसे क्या होगा, है ना, लेस अब क्योंकि देन वन हम मिनट में क्योंकि सॉल्व करना है ना। और हम तो क्योंकि जी हर एक स्टेप को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जी तो सर। आपने भी ऑलरेडी पीछे सॉल्व कर लिया था, कॉस्ट प्राइस जैसे दिया हुआ था, अगले जी जी अगले क्वेश्चन में फिर हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, तो उसी में से आपको हिंट ले लेके ऐसे करके मतलब करना है। ओके टोटल ओके 5 मिनट में आपको ये पूरे क्वेश्चन करना है, राइट सर। ठीक है ना? ओके, ट्राइंग कुछ और क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या समझ आ रहा है इससे? ग्राफ से क्या समझ आ रहा है आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्राफ से सर। पॉपुलेशन ईयर इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन सर इसमें पॉपुलेशन इलेक्ट्रिक पावर सर डिकेडल मतलब वो डिकेड ना हाँ, डिकेड 10 ईयर्स डिकेडल मतलब होता है 10 ईयर्स दस दस साल 10 साल का, का साल में पीरियड। डिकेड, हाँ जी सर। हाँ ठीक है। सेंचुरी होता है 100, ठीक है, एनुअल होता है डेली, मतलब ईयरली वाला, ठीक है। डिकेडल डेटा दिया हुआ है ऑफ पॉपुलेशन, सर सिर्फ सृष्टि और मैं ही हैं क्लास में सृष्टि आज और कहाँ गए मैं बच्चे? अभी तक के अवनी थी। अवनी भी, और आई गेस दीप्ति वाज देयर। जी सर दिखती थी। कोई बात नहीं हमें तो करना है ना ठीक करेंगे। है, हाँ 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 ठीक है ठीक है, वो चलो। रिकॉर्डिंग उनको शेयर कर लेंगे। हाँ 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 आज एग्जाम है क्या कोई? सर कल है कल उज्ज्वला है जी सर, कल। मेरा है ओके सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, और ठीक है, इसमें हम अब क्वेश्चन देख पढ़ लेते लो हैं। आज। विच डिकेड रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन? ये डिकेडल ग्रोथ रेट है,
ये डिकेडल ग्रोथ रेट है, ये पॉपुलेशन है और ये इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है, ठीक है। तो ये राइट पूछा है विच डिकेड रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कैसे करोगे आप इसको? यहां से 20 से 21 जाना, कितना परसेंट चेंज हुआ? आप देखो चेंज कितना हुआ, व्हाट इज चेंज? 1 20 से, यस सर, 1% विद रिस्पेक्ट ऑफ 20, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 5% चेंज हुआ, यस सर, ये 5% चेंज हुआ। अब 21 से 24 जाना कितना हुआ, 3, 3 डिवाइडेड बाय 21, 20, अच्छा अच्छा है कि नहीं? एक से, हाँ, ये कितना प्रीवियस हुआ? वाला 7 और 14, ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट सर, हाँ। अगला ये तो ऐसा हुआ, फिर अगला कितना हुआ, अगेन 3, 3 तो ये आ जाएगा सर 14.4, नहीं सेम कैसे आ जाएगा, क्यों सर, ये 8 आ जाएगा ना, डिजिट्स राइट राइट राइट, हाँ हाँ, है ना। तो 8 टाइम्स 1 तो कितना बचा, 2, फिर आ जाएगा 12.5, ठीक है। फिर यहां से यहां जाना है हमको, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा अगेन, 3/27, ये 9 आ जाएगा, तो मतलब 100/9, ठीक है। फिर आ जाएगा 32 से 30, कितना चेंज हुआ, 2%, 2/30, नॉट 2%, वो आ जाएगा 2 चेंज हुआ है पॉपुलेशन में, 2 मिलियन का चेंज हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 30, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो आ जाएगा ये 6.6%, एंड फाइनली 30, ये 3 आ जाएगा और ये 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 16 और 50, तो आई एम राइटिंग इन 150/60, तो ये आ जाएगा 9% समथिंग, ठीक है। अभी आपको बताना है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पर हुआ है, ग्रोथ कहाँ पर हुआ है सबसे ज्यादा, यहाँ पे 5% का, यहाँ 14, यहाँ ये 14.4 ही है सर, ठीक है, 14.4, कौन सा साल है ये, 1961 में हुआ सर, 61 में हुआ, ये 71 में हमको ग्रोथ मिला देखने को, ये वाला है ना 21 का हमने कैलकुलेशन किया था, हाँ 21 से 24, हाँ, ये तो बेस ईयर है ना जहाँ से शुरू हुआ है पॉपुलेशन बढ़ना हमको, हाँ, वो तो डिफरेंस देखा था हमने, 3 का डिफरेंस है पहले वाले, हाँ, से 3 का डिफरेंस है ना, हाँ हाँ ठीक है, 3 का डिफरेंस है, लेकिन ये पूछा हुआ है कि हमने रजिस्टर्ड कहाँ, कब की हमने हाईएस्ट ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड, तो 71 में करेंगे ना, राइट सर, हाँ हाँ, ठीक है, तो 71 से लेके 81, नहीं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपको हमको नहीं, हमको डिकेड पूछा हुआ है, तो वाला रहेगा ना सर, चढ़ किया है, इस डिकेड में हमने ग्रोथ रजिस्टर किया है, क्लियर हो गया, नहीं मैं सोच रहा था कि यहाँ पर क्योंकि डिकेड दिया हुआ, अगर ऐसा दिया होता ना 1961 1971, ठीक है, बट दिया था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज एवरेज, अब एवरेज कैसे निकालोगे आप, पता है कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय द नंबर, आप ये करोगे 5 और ये 14 और 12.5 और 11, 1 और 6, 6 और देन दिस 9, ठीक है, इनको ऐड करना है, हाँ, फिर आप इसको ऐड करोगे और डिवाइड करोगे कितने से, 6 करके देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा
कितना आ रहा है? आई एम गेटिंग दिस। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे 5 + 14.4, 12.5, 11.1, 6.6 एंड 9%। आप जब इनको सबको सबमिशन करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 58 point समथिंग, 58 point समथिंग, 58.7, और डिवाइड करोगे आप इसको 6 से, सो वील गेट अराउंड 9.8। ठीक है, जी सर। ठीक है ना, वो फिर आप डिजिटल ग्रोथ रेट का आप एवरेज ऐसे निकलेगा। अगला पूछा है, बेस्ड ऑन द एवरेज डिजिटल ग्रोथ रेट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर, पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? इसको देखो, बेस्ड ऑन द एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2021। बेस्ड ऑन द एवरेज डेकेडल ग्रोथ रेट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन इन द ईयर 2021। ठीक कैसे निकालोगे इसको? क्या पूछा? आपको हिंट दिया हुआ है, आपको हिंट दिया। अच्छा, ये क्या पूछा है कि आपको 2021 में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, तो सर, मतलब ऑलमोस्ट 10 इयर्स के। हाँ, नेक्स्ट वाला ही ना, पूछना है। और राइट सर, हमको एवरेज ग्रोथ रेट कितना अभी निकाला है हमने, है एवरेज ग्रोथ रेट 9 point समथिंग आया ना सर। ना? एवरेज ग्रोथ हाँ, रेट अभी पीछे क्वेश्चन में हमारा आया नाइन नाइन पॉइंट पॉइंट एट टू एट टू समथिंग। हाँ ठीक हाँ है, तो हम क्या करेंगे, हम 9.82 इस पॉपुलेशन में, समझ हाँ आया? क्योंकि है ना, एवरेज निकालना है हमको, एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 9.82, 9.82 हो गया। अब इसको जब हम इंक्रीज होता है तो वो ऐड हो जाता है 100 में, यस और नो? क्या इंक्रीज होता है सर? अगर हमको जैसे प्रॉफिट निकालना होता था तो हाँ वो ऐड हाँ हो जाता हाँ था ना 100 में इन टर्म्स ऑफ हाँ परसेंटेज, तो हाँ ये आ जाएगा हमारा 109, ऐसा कुछ आ जाएगा। सर 109.82। ठीक है, ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे, जो पॉपुलेशन दिया हुआ है 2011 की पॉपुलेशन निकालनी है हमको, 35 35। मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा 5 से 20, ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 109.82 × 7 और डिवाइड करो 20 से, करके देखो एक बार कितना आ रहा आंसर, 109। कितना आ रहा आंसर? एक सेकेंड सर, आई हैव गॉट माय आंसर, मुझे मिल गया है मेरा। सर 38.43 करके ना, थर्टी ठीक एट है, पॉइंट हाँ वन ठीक फोर है, थ्री सेवन 38.437 के, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, वही रीजन इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आया है। ठीक है, इसलिए हमारा जो जो आंसर होगा 38.49 वुड बी द करेक्ट आंसर, समझ तो मतलब ऐसे आया क्वेश्चंस में कैसे? अप्रोक्सीमेट ही आता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट क्यों, व्हाई आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेट क्यों आता है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर कहीं पर 2 डिजिट लिया, कहीं पर 3 डिजिट लिया, पीछे वाले फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो ना, हमने यहाँ पर 1 डिजिट लिया है, यहाँ पर 1 डिजिट लिया है, वहां पर 1 लिया है, यहाँ पर 1 डिजिट लिया है,
ठीक है, तो एटलीस्ट टू वैसे लेना होता है सो दैट कि हमारा आंसर ज्यादा टू बी प्रिसाइज आता है, ठीक है, बट वन डिजिट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन डिजिट में नहीं समझी, क्या बोल रहे सर आप? वन डिजिट मतलब डेसिमल के बाद, जैसे डेसिमल के बाद हम एक डिजिट या दो डिजिट तक सॉल्व करते हैं ना पीछे हाँ डेसिमल के हाँ बाद, हाँ हाँ यस हाँ है ना, तो क्योंकि एग्जाम का टाइम देखते हुए हम इतना सॉल्व नहीं करते, तो एक तक इज हाँ ओके, ठीक है, और आप जो भी हाँ आंसर जो भी प्रोक्सिमिटी में आएगा क्लोज होगा जो भी, तो दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। ओके सर अब ये इतना डिफर तो नहीं कर रहा है, एक डिजिट तक तो ये सही चल रहा है ना, तो उसमें फोर कंफ्यूज तक मत होना, हाँ है ना, हाँ तो हाँ दिस इज द राइट तो फिर आंसर। यहाँ पे और दूसरा कोई आपको फोर वाला है भी नहीं डिजिट के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद एग्जैक्टली, और 38 तो कोई है भी नहीं ना, अगर थर्टी एट है पॉइंट क्या? फोर एट होता, 34, 38 पॉइंट समथिंग समथिंग होता, तो जाके कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और आपको इसको अप्रोच कैसे करना है, आपको वो चीज ध्यान रखना है कि क्या पूछा हुआ है। जैसे एवरेज, अगर कई कई टाइम्स ऐसा होता है कि जैसे एवरेज पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं कि इसको पूरे को प्लस कर दिया और डिवाइड कर दिया 6 या 7 से, तो ये एवरेज थोड़ी निकलेगा, निकलेगा क्या? अगर एवरेज पूछा हुआ आपको, ग्रोथ हाँ रेट का हाँ एवरेज, डिकेडल ग्रोथ रेट का एवरेज पूछा हुआ है, तो इट डजेंट मीन, नहीं, इट डजेंट मीन थोड़ी नो कि सर नो हमको सर नो सर नो सर ग्रोथ रेट का एवरेज निकालना है, तो ग्रोथ हाँ तो जो हमने कैलकुलेट किया उसको रेट, फिर सम करके फिर डिवाइड करना। हाँ ठीक है, दैट वे हम उसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1951 व्हाट वाज द पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन, पर पर्सन हाँ पावर अवेलेबिलिटी, इसको पर कैपिटा भी बोलते हैं, ठीक है। अगर जैसे जैसे एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में, जैसे पर कैपिटा इनकम आता है, एक ऑप्शन, एक पर कैपिटा, सुना है आपने पर कैपिटा इनकम, यस सर हाँ सर सुना है पर कैपिटा पर इनकम क्या समझा होता नहीं। है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एन एवरेज किसी एक इंडिविजुअल की कंट्री के अंदर की उसकी इनकम कितनी है, इंडिविजुअल की इनकम कितनी है। तो अभी देखो वो अलग हाँ बात है कि हमारी कंट्री में डिस्पैरिटी है, बट हम अदरवाइज क्या करते हैं कि जीडीपी ऑफ द कंट्री विच इज अराउंड 3 ट्रिलियन, थ्री ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली, और वी आर अबाउट टू रीच, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय द 1.40 बिलियन, विच इज द पॉपुलेशन, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारी जो आएगी लगभग 1.21 करके है समथिंग, लाइक हमारी पर कैपिटा आएगी, मतलब हमने जीडीपी क्या था, जीडीपी पूरी कंट्री की इनकम थी, जीडीपी क्या होता है, टोटल कंट्री का इनकम, और टोटल बंदे कितने हैं कंट्री में, 1.40, 1.4 मतलब 125 अरब से ज्यादा, 1.4 अरब है इंडिया में, तो एवरेज एक आदमी के पास कितना पैसा आना चाहिए उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा। तो वैसे यहाँ पे पूछा हुआ पर पर्सन अवेलेबिलिटी कि टोटल में से और पॉपुलेशन कितना है, आप डिवाइड करो का अवेलेबिलिटी आपके पास आ जाएगा, क्लियर हुआ क्या, यस सर है ना। तो कब पूछा हुआ है, 1951 में पूछा हुआ है, हाँ सर 20 मिलियन ठीक तो पॉपुलेशन है सर। है, हाँ 20 मिलियन। अब ये कितना, ये क्या हुआ है, ये कितना है, ये 10 GW जी डब्ल्यू इज गीगावाट, गीगावाट हाँ। जैसे हमने कल आपने पढ़ा होगा गीगा बाइट भी हमने पढ़ा था, जीबी मेगा बाइट, जैसे मेगावाट होता है, फिर गीगा, गीगा इज नथिंग बट यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 2 3, अब ये बन गया क्या, मिलियन वॉट, ठीक है, ये क्या बना है, मिलियन और वॉट, और पॉपुलेशन कितनी है, 20 ठीक है, 20 वॉट मिलियन, यस सर ठीक है, तो मिलियन से मिलियन कैंसिल, ओके जीरो अच्छा से जीरो एंड 2 से 5, तो कितना आ गया हमारा, 500 वाट सर ये कौन सा था?
सर ये कैसा था, मिलियन एमएम काट दिया आपने, ये फर्स्ट टाइम देखो देखी सर मैंने। मुझे नहीं पता था कि मिलियन से देखो, नहीं, काटने काटने का मतलब होता है अगर मैं इसको फिर एक्सपेंड करता तो 1 मिलियन आपका हो जाता है 10 लाख, 1 मिलियन हो जाता आपका 10 लाख। अब मैं इसको 10 लाख बनाता, इसके पीछे उतनी जीरो लगाता, मिलियन वाली जीरो, इसके पीछे उतनी जीरो लगाता, फिर जीरो काटता, इसलिए मैं एम से एम कैंसिल कर दिया। सर मैंने इतना मैथमेटिक्स इन्हें स्कूल में किया, कभी एम से एम काटा ही नहीं कोई टीचर ने। फर्स्ट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन देख रही हूं मैं। हाँ, जो अगर मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन में होते तो काट देना चाहिए, ठीक है? ठीक अच्छा है, मल्टीप्लीकेशन में हो तो, अगर प्लस में हो तो थोड़ा एलसीएम लेके तब करना चाहिए, अरे अदरवाइज एलसीएम, है ना। तो दैट वे हम इसको, हमारा आंसर आ गया 500 वॉट। क्लियर है ये? यस सर। पहले ठीक है। हाँ आपने, एक मिनट सर मैं रिपीट करना चाह रही हूँ उसको। आपने पहले क्या किया, आपने 10 यहाँ दिया गीगा हुआ, वॉट आपके को वो इनटू, हिंट दिया हुआ है ना यहाँ पे, 1 गीगावाट नीचे मतलब दिया, हो गया हाँ 1000 मिलियन वॉट। 1000 मिली वॉट। ओके ओके अब ये 10 गीगावाट है, यानी तो 10 तो हमने लिखा गीगावाट, अब 1 गीगावाट को हमने लिखा 1000 मिलियन वॉट, तो वो लिखा, और टोटल पॉपुलेशन हमारी आई है 20 मिलियन। एक सेकंड सर, आपने 1000 और मिलियन वॉट के बीच में आपने इनटू क्यों किया सर? वो ऐसे लिखा है मिलियन वॉट लिखने के लिए ना, मिलियन और मल्टीप्लाई वॉट, इसको डायरेक्ट मिलियन वॉट भी लिख सकते हैं। नहीं, 1000 के बाद जस्ट एम के पहले क्रॉस अच्छा, है ना ये सर? वो तो अभी मैंने आपको बताने के लिए लिखा था कि अगर अच्छा अच्छा इनटू में हो तो, है ना। अच्छा हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है, है तो वो सारा मल्टीपल में ही, ठीक ठीक है। है। तो सर अगर उसको आपने 10 से फिर 1000 किया और फिर एमएम काट के फिर एम वैसे मिलियन से कैलकुलेट मिलियन करके। काट हाँ दिया, मतलब उसको अगर मैं हाँ जीरो करता, ठीक है ना, अगर आप पॉपुलेशन लिखते 20 मिलियन, तो 20 मिलियन कितना हो जाता, ये 20 हो जाता, इसके पीछे 6 जीरो लग जाते, तो इतनी पॉपुलेशन होती, मतलब ये हो गया हमारा 2 करोड़, ठीक है। राइट सर। और फिर उसका ऊपर करता मैं तो 10, तो ये कितना हो गया गीगावाट, अब ये हो गया 1 गीगावाट में, मतलब 1000 मिलियन वॉट, तो 1000 में वैसे लिखता, ठीक है। और उसको अगर मैं, तो दिस मच वॉट हो जाता, तो ये सारा कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो और ये सिर्फ 5 टाइम्स ही हो जाता टोटल, तो ये आ जाता मेरा 500 वॉट, ठीक है। इसलिए ओके यहीं पे काट दिया था। अगर कहीं गीगा सही है। से हो और मिलियन से हो, बिलियन से हो, तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर ठीक हो है गया सर, ये? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है ये, डिकेडल ग्रोथ, डिकेडल डेटा ऑफ पॉपुलेशन एंड इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री। अच्छा, ये तो हमको दिया हुआ है। बाय व्हाट परसेंटेज द पावर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1951 टू 2011, कितना इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, कब से कब तक, 1951 से 51 2011 टू, तक। तो सर वही वाला कैलकुलेशन आएगा ना? तो इसमें हमको क्या करना है, पावर प्रोडक्शन ना, पावर प्रोडक्शन, तो हाँ इस तरफ। 1951 में ओके ओके पावर प्रोडक्शन कितना था, 10 था सर, फिर 10 10 बढ़ा। गीगावाट और 2011 में कितना हुआ। अच्छा, सिर्फ दोनों में कैलकुलेट करना है। हाँ ओके तो वो, हाँ, 100 हुआ सर, 90% से बढ़ गया सर। तो चेंज कितना हुआ, चेंज टोटल चेंज कितना हुआ, 100 माइनस 10, यानी यस सर, 90 गीगावाट का चेंज आया, राइट सर, यस सर। ठीक है। अब ये पूछा हुआ है परसेंटेज चेंज में बताना है परसेंटेज, तो हाँ हाँ 90 गीगा, जो 90 हो जाएगा टोटल, तो किस किसके रिस्पेक्ट में निकालना है हमको, 1951 के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, यस सर, यस सर, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 10 टेन टेन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज हंड्रेड निकालना है, तो कैंसिल कैंसिल, ये कितना आ गया, परसेंट इंक्रीज हुआ है 900, 900 ना, परसेंट 1951 के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है, ओके। सो
आई गेस वी एंड अवर क्लास हियर, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एक एक टाइप का, हमने पाई चार्ट का भी कर लिया, बार ग्राफ का भी कर लिया, हिस्टोग्राम का भी कर लिया, ठीक है, और ये जो टेबल इस टाइप का भी कर लिया है, तो बेटर वी डू इट ऑन द जो मॉक टेस्ट होगा, ठीक है? यस ठीक है, सो टुमारो वी विल कवर अवर न्यू टॉपिक एजुकेशन एंड गवर्नेंस. सर वो हायर एजुकेशन वाला ना, हायर एजुकेशन और गवर्नेंस. ओके, मींस यहाँ पे मैथमेटिकल वाला खत्म होता है सर, मैथमेटिकल वाला कवर हो गया है, और हम जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अभी बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लास उसी को थी, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को हमने दिया था, उसको आई गेस 4 दिन में हमने कवर किया है, ठीक है, और उसके बाद लॉजिक रीजन 3 दिन में, डेटा इंटरप्रिटेशन में, जस्ट लाइक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए, और यूट्यूब पे भी डाला हुआ है मैंने वीडियो कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, और अब ये आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए हैं इसके, एंड देन वी विल बी डूइंग, इट विल टेक हार्डली टेक 2 क्लास, 1 for higher education एंड अनदर क्लास फॉर गवर्नेंस. सर आईसीटी भी आप कराओगे ना? ICT भी मैं कराऊंगा, ठीक है, कंप्यूटेशनल वाला पार्ट. अच्छा, फिर मैम भी लेंगे ना पेपर वन के कुछ? I guess. Probably this RM or, ठीक है? Teaching aptitude. ठीक है? तो, but जब तक schedule proper नहीं होता है, तब तक I'll just, मतलब, I'll continue with this, जो मेरा, वाला, या जो, rest of the education वाला, ठीक है? So tomorrow and day after tomorrow, we'll be doing unit, हायर एजुकेशन 10, ठीक है, और उसके बाद हम एनवायरनमेंट करेंगे, सब पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट. हां, वो एनवायरनमेंट, दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो ठीक है, सो बाय नाउ वी हैव कवर आवर 3 यूनिट्स. यस सर. ठीक है, तो सर कल एजुकेशन वाला स्टार्ट करेंगे, कल एजुकेशन यूनिट 10 करेंगे, ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बाकी फिर सब एक एक या दो दो क्लास के टॉपिक्स हैं सारे. जी सर. ठीक है ना सर, हम लोगों का ऐसा रहेगा ना कि पहले तो हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आप हमें सेंड कर रहे हैं, देन उसके बाद एक ओवरऑल फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा. हाँ, फुल लेंथ होगा, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअली भी फुल लेंथ करना चाहता है तो फिर वो भी कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज जो ऑलरेडी कोर्स में एनरोल्ड है तो वो तो साथ में करेंगे. ठीक है सर. ठीक है ना, सो सी यू टुमारो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो. थैंक यू सर. कुछ नहीं हुआ है सर, सिर्फ मैं जाके. कोई बात नहीं, हमारा टारगेट जून का आया है. यस यस, वही तो. हाँ ठीक है सर. ऑल द बेस्ट. ओके सर, थैंक यू सर.